राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर एक बयान दिया है। बता दें कि सीएम ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ रही है तो प्रचार भी कर रही होगी। हमें तो प्रदेश में उनकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार बिखराव की स्थिति है, जिसका एक उदाहरण दुर्ग में भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल हम विजय बघेल हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के नामांकन के लिए दुर्ग गए थे, वहां भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। वही रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। अब उतना तो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार तो कर ही रहे होंगे ना, उतना हम लोग थोड़े देखते फिर रहे हैं। लेकिन उनकी हालत बहुत बिखराव की स्थिति में है। कल हम दूर गए थे, श्री विजय बघेल वहां के जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन में, तो वहाँ मंच में उनकी भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मेरा कहने का मतलब कि आज कांग्रेस की स्थिति है कि बड़े नेताओं के घर में भी बिखराव हो रहा है। वही ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ ग्वालियर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रवीण पाठक पूर्व कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं। प्रवीण पाठक विधायक भी रह चुके हैं।